नमस्कार प्रिय साथियों, आज की डेट है 18 जून 2019 और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केबी और इस वीडियो में हम 18 जून 2019 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जो PDF होगी वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल डिस्कस करेंगे और उसके अलावा मैं आपसे 2019 के करंट पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में दो महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका होगा कोलकाता, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये इसका दूसरा संस्करण था। याद रखिएगा कि 15 जून को इसका आयोजन शुरू हुआ है और 23 जून तक यह प्रोग्राम चलेगा। उद्देश्य इसका क्या है? तो हमारे देश में व्यापार को बढ़ावा देना, साथ ही साथ हमारे देश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन या इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आयोजन मुख्य रूप से दो हमारी संस्थाओं के द्वारा किया गया है। एक हमारी है बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और एंड इंडस्ट्री व दूसरी आपकी है GS मार्केटिंग। तो इन दोनों संस्थाओं के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसमें आपको राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, वे सारे दिखेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी हमारे उपक्रम हैं, चाहे हम गेल की बात करें, ONGC की बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें, तो ये सारे लोग यहाँ पर हिस्सा लेंगे और इसके माध्यम से जो हमारे भारत के ब्रांड हैं उनको भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। तो याद रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है इंगेर एंडरसन, गियानी इन्फेंटिनो, ग्रेटा थनवर्ग या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हमारा होगा इंगेर एंडरसन, जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकारी निदेशक चुना गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी इमेज, जिन्हें अभी चुना गया है कार्यकारी निदेशक के रूप में यूनेप के। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है इंगेर एंडरसन के बारे में कि ये डेनमार्क के अर्थशास्त्री हैं, साथ ही साथ पर्यावरणविद भी हैं और इनका जो कार्यकाल होगा वह 4 वर्षों का होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानना आवश्यक है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा नैरोबी, केन्या में। और इसके अलावा इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य है स्थापित करने का, वह यही है कि पर्यावरण के प्रति शिक्षा को, इसके प्रचार को और जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और इसे बढ़ावा दिया जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि नमस्ते थाईलैंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन आपके सामने है जालंधर, नई दिल्ली, अमृतसर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में इस वर्ष नमस्ते थाईलैंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसका आयोजन इसलिए किया जाता है कि थाईलैंड की जो सांस्कृतिक भाषा है, सांस्कृतिक विविधता है और उसकी जो भी विशिष्टताएं हैं उसका प्रदर्शन भारत में किया जाए और दोनों देशों के बीच में जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं उनको और बेहतर ढंग से मजबूत किया जाए। आयोजन इसका किया गया रॉयल थाई एम्बेसी के द्वारा और जो हमारे थाईलैंड के एम्बेसडर हैं भारत में उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और यहाँ पर थाईलैंड की कला और वहाँ की संस्कृति पर आधारित 6 फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन आपके सामने है शिवानी जाधव, श्रेया शंकर, सुमन राव या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा होगा सुमन राव। तो राजस्थान की सुमन राव, इनके द्वारा फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमन राव को, ये है सुमन राव जिन्होंने मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता है। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो राजस्थान की है सुमन राव जो कि इसकी विजेता बनी है। आयोजन इसका हुआ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम मुंबई में और
अब जो सुमन राव हैं, इस वर्ष मिस वर्ल्ड 2019 का आयोजन होगा थाईलैंड के पटाया बीच के पास में, तो वहाँ पर ये भारत का आप प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा दो चीज़ें आपको और याद रखनी है कि फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीता है छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव ने, और इसके अलावा श्रेया शंकर जो कि बिहार की हैं, इन्होंने मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स का खिताब जीता है। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, सुमन राव के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, आपकी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ पर सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है माउंट एवरेस्ट पर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऊंचाई इसकी कितनी है, 8,848 मीटर। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि किसके द्वारा स्थापना की गई है, तो अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, तो इसके द्वारा स्थापित किया गया है माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र। और कुल मिलाकर के 5 मौसम केंद्रों की स्थापना की गई है। जो सबसे ऊंचाई पर हमारा मौसम केंद्र स्थापित किया गया है वह एवरेस्ट पर बालकनी एरिया में किया गया है, जिसकी ऊंचाई है 8,430 मीटर। अब इसके माध्यम से क्या होगा कि एवरेस्ट पर जो भी लोग चढ़ाई करते हैं उनको मौसम के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाएगी, मौसम से संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी इनके माध्यम से इकट्ठी की जाएंगी, और जो हमारा हिमालय पर्वत है उस पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी पता लगाया जाएगा इस मौसम केंद्र की सहायता से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत द्वारा कितने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अमेरिका ने मार्च में घोषणा की थी कि उसके जो उत्पाद हैं उन पर टैरिफ कम करे भारत, लेकिन भारत ने जब ऐसा नहीं किया तो अमेरिका ने अपने प्रोडक्ट भारत के प्रोडक्ट को अमेरिका में टैरिफ बढ़ा दिया था। तो इसी के परिणामस्वरूप भारत ने एक बार फिर से अमेरिका के जो कुछ उत्पाद हैं जिनकी संख्या है 28 उन पर टैरिफ को बढ़ा दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 15 जून, 17 जून, 19 जून या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 17 जून। तो प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस व सूखा दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्थापना इसकी हुई थी 1945 में, आज से 74 साल पहले, और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तिजानी मोहम्मद बंदे, जो कि नाइजीरिया के हैं और हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। और इसके बारे में एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि मुख्यालय इसका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 30 जनवरी 1995 से शुरू किया गया था। इस वर्ष की जो थीम है वह है लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, यानी कि भविष्य की हम लोग साथ में मिलकर के वृद्धि करें। और इसमें संयुक्त राष्ट्र ने पहले भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने कहा है कि प्रतिवर्ष लगभग 24 अरब के आसपास जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वह समाप्त हो जाती है, यानी कि वह मरुस्थलों की तरफ बढ़ने लगते हैं, और इसी दिशा में प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से जो हमारी उर्वरा शक्ति है भूमि की उसको बचाया जाए, और इसी के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि FIH मेंस सीरीज 2019 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन आपके सामने हैं भारत, दक्षिण अफ्रीका, जापान व नेपाल। तो यहाँ पर भारत ने FIH मेंस सीरीज 2019 में स्वर्ण पदक जीता है, और इसने किसे हराया, इसने हराया है दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से, और तीसरे स्थान पर आपका रहा है जापान। तो भारत ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आयोजन इसका हुआ है भारत में भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। कुल मिला के 8 टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया, मैचों की संख्या रही यहाँ पर 20, और सबसे ज़्यादा गोल जो इन्होंने स्कोर किया वह है भारत के वरुण कुमार। तो फाइनल जो खेला गया कलिंगा स्टेडियम में भुवनेश्वर के, उड़ीसा की राजधानी में, और इसी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हरा करके खिताब जीत लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि जुजाना कैपिटोवा किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। तो जुजाना कैपिटोवा जो है ये हमारी स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, साथ ही साथ
स्लोवाकिया की ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी बनी है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जुजाना कैपिटोवा को। और अगर हम लोग बात करते हैं स्लोवाकिया की, तो ये हमारा एक यूरोपियन देश है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, जिन देशों के साथ में ये सीमा बनाता है, यूक्रेन हो गया पूरब में, पोलैंड है इसके उत्तर में, फिर यहाँ पर हमारा है रोमानिया, नीचे है हंगरी, यहाँ पर ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक के साथ में ये सीमा बनाता है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा और यहाँ की जो मुद्रा है यूरो, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा माय प्रोटेक्शन कोटियन टूल को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर जो हमारे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, इसी के द्वारा माय प्रोटेक्शन कोटियन टूल लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग माय कोटियन टूल के बारे में बात करते हैं, तो इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की जो वित्तीय सुरक्षा है उसके स्तर की माप की जाएगी और किस प्रकार का टर्म प्लान किस परिवार के लिए बेहतर होगा इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं, तो सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो करंट अफेयर का जो हमारे प्रश्न थे वे यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम लोग आज एक महत्वपूर्ण आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा मौलिक अधिकार होगा। तो हमने बात की थी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18 के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 19 के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में कहा गया है कि हमारे नागरिकों को कुल मिलाकर के 6 अधिकार दिए जाते हैं। अब वे अधिकार कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। पहला हमारा है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि बोलने और अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता दी जाती है हमारे संविधान के द्वारा सारे व्यक्तियों को। तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि वीडियो को शॉर्ट रखा जाए, तो जो लोग केवल करंट अफेयर देखना चाहते हैं वह करंट अफेयर तक के वीडियो को देखने के बाद में बाकी के वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें केवल करंट नहीं पूछा जाता है, और अगर आप इन सारी चीज़ों को भी रिवाइज करना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो 6 अधिकारों में ये हमारा हो गया पहला अधिकार। दूसरा हमारा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्वक यानी कि बिना कोई उत्पात मचाए शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं, और इसके अलावा निरायुध यानी कि बिना अस्त्र शस्त्र के आपको सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। तीसरा हमारा है संघ बनाने का अधिकार, यानी कि आप किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हैं या किसी भी प्रकार की समितियां बना सकते हैं, इसका भी अधिकार आपको मिला हुआ है। भारत में आप चाहें भारत के जिस एरिया में वहाँ पर घूम सकते हैं, तो ये अधिकार भी मिला है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो भारत के किसी क्षेत्र में जा करके बस सकते हैं और वहाँ पर निवास करने का भी अधिकार आपको दिया गया है। और इसके अलावा है व्यापार व कारोबार का अधिकार, यानी कि आपको जो भी प्रोफेशन अच्छा लगता है, जो भी आप व्यापार करना चाहते हैं वह व्यापार आप कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन वैसे जो हमारी सारी चीज़ें हैं वैसे जिनके लिए प्रोफेशनली किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है वही चीज़ें आप स्वतंत्रता के साथ में कर सकते हैं। जब हमारा संविधान बना था और उसके बाद में जब इसे लागू किया गया, तो उस समय ये जो हमारे 6 अधिकार हैं इनकी संख्या थी 7। एक हमारा था संपत्ति का अधिकार, यानी कि भूमि को संपत्ति को खरीदने का, बेचने का और उसके अधिग्रहण का अधिकार भी दिया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में और उसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। देखिए हम लोग जब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यानी कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। नदियों की सीरीज में मैंने लगभग भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया है। कल से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे माउंटेन हैं जैसे अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय में शिवालिक, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, इन सब के बारे में एक एक करके सारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन सी
नदी वहाँ से निकलती है, कौन सा पार्क है और इसके अलावा सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें अब हम वीडियो में डिस्कस किया करेंगे। तो कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, उनमें पहला था कि बोका चौल के लिए किस राज्य को GI टैग मिला है, तो सही उत्तर होगा असम। असम को बोका चावल के लिए GI टैग दिया गया है और बोका चावल के बारे में बताया था कि ये हमारे चावल की एक किस्म है जिसको हम लोग थोड़ा सा पानी मिला करके आसानी से खा सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न था कि इस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह इस वर्ष दिया गया, इससे किसे सम्मानित किया गया, तो हमारे अंग्रेजी के एक राइटर हैं जिनका नाम है अमिताव घोष, इन्हें इस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और ऐसा पहली बार हुआ है कि अंग्रेजी के किसी राइटर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो बहुत सारे लोगों ने इसके सही उत्तर दिए, उन सभी को धन्यवाद, लेकिन स्पेशली धन्यवाद यहाँ पर विनोद जी को। विनोद जी ऐसे हैं, उनके कमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं, वह जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बहुत ही डिटेल में आंसर देते हैं, तो आप लोगों को उनकी तरह अगर आप लिख ना पाएँ तो उनके आंसर्स को आप जरूर पढ़ा करें। तो आज के हमारे पहला सवाल है कि मारायूर गुड़ के लिए किस राज्य को GI टैग मिला है, ऑप्शन आपके सारे सामने दिए गए हैं। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि चौथे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहां पर किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा इस समय चर्चा में भी है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं और आपको सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपने वीडियो को समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद जय भारत। और अगर आप लोग चाहें मुझसे बात करने के लिए या मुझसे कोई सवाल पूछने के लिए तो आप इंस्टाग्राम पे KB Guruji सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर मेरी ID मिलेगी वहाँ पर मैसेज के जरिए, और साथ ही साथ आप मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग अगेन, जय हिंद जय भारत, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।